Hey you guys, good afternoon, welcome back to channel, place, Kota, and I hope you guys are doing good. एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नया व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग. आज का जो व्लॉग है वो हिस्ट्री लवर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ अभी कोटा गढ़ पैलेस या फिर कोटा म्यूजियम, और मेरे पीछे है बोर्ड राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, और थोड़ी हिस्ट्री लिखी हुई है इस गढ़ पैलेस के बारे में, और यहाँ पे फीस भी दे रखी है. एंट्री फीस 40 इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए 300, स्टिल कैमरा के लिए 50 रुपीज़, और आपको व्लॉग बनाना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए 100 रुपीज़. तो अंदर चलते हैं, हालांकि हमने टिकट्स ले लिए हैं, हाथ में है. बीस साल हो गए आपको यहाँ पे जॉब करते करते. बोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हथियापोल. हथियापोल बोलते हैं इसको. अच्छा, और सामने जो फ्रेंड में गणेश जी हैं. गणेश जी. अच्छा, चलिए इस टाइम हर गेट पे आपको गणेश जी मिलेंगे, और जो इसके हथियापोल के ऊपर जो हाथी लगे हुए हैं, और अब माधव सिंह जी ने लगवाए थे बूंदी से, जब बूंदी से प्राइज जीत कर लाए थे वहाँ से. बूंदी ने दोनों भाई भाई थे, पर उन्होंने छोटी अवस्था थी, उन्होंने पर चढ़ाई करी कोटा को वापस अपने इंटर में ले लो, तो वो जीतने भाई आखिर मेरे सच्चे सारे देव जी दिए वहाँ पर रिटर्न. फिर उन्होंने कहा अपन राज माता ने कहा कि तुम दोनों भाई हो, इसलिए कि ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं जाना, गेट से जाते ले जाते. इसे जलेबी चौक बोलते हैं. अच्छा, जलेबी चौक बोलते हैं इसको. और ये पूरा जो गढ़ पैलेस है ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता? नहीं है. ये महल और जो बूंदी का जो घराना है वो दोनों एक ही था. ये महल की नींव रखी थी राजा जैत सिंह ने 1264 AD में. उसके बाद की जो आगे की महल को बनाने की जो प्रोसेस थी वो पूरी की थी माधव सिंह जी ने. यहाँ पे डेट पूरा सब लिखा हुआ है. तो वो दोनों एक ही फैमिली के थे, तो बूंदी से ऑर्डर आए थे, वहाँ के जो राज घराने हैं वहाँ से ऑर्डर आए थे कि कोटा को भी बूंदी में शामिल कर लेते हैं. पर उसके बाद ये फैसला हुआ कि कोटा अलग रहेगा और बूंदी अलग रहेगा. तो जो इनकी जो माताश्री थी, उन्होंने दो हाथी जो इस गेट के ऊपर लगे हुए इनको गिफ्ट कर दिए कि आप दो हाथी यहाँ से लेके जाओ, जो यहाँ का जो महल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ उसके बाहर लगवा लो. बहुत ही सुंदर व्यू देते हैं दो हाथी गेट के बाहर, एक इधर और एक इधर. अब चलते हैं इस गढ़ पैलेस के अंदर और देखते हैं कितना एंटीक यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है. सुनने में आता है यहाँ पे बहुत सारे एंटीक चीज़ें रखी हुई है, तलवार, बंदूकें, कढ़ाई जिस पर खाना बनता था. देखते हैं. अंदर घुसते ही दीवारों पे बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बना रखी है. अभी ये मुझे नहीं पता ये अभी बनाई गई है या उस टाइम से बना रखी थी, अंकल से पूछते हैं. ये अभी अभी से बना रखी है पेंटिंग से? पुरानी चल रही है, उस टाइम से चल रही है. अच्छा अच्छा. और इसके बाद यहाँ पे एक मंदिर भी है भरतनाथ जी का. भरतनाथ जी जो कि एक कृष्ण जी के अवतार थे, उनका है. एंट्रेंस पे मंदिर है, साफ साफ बोर्ड पे लिखा हुआ है राव माधव सिंह म्यूजियम ट्रस्ट. तो ये जो पूरा म्यूजियम है एक ट्रस्ट पे चलता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है. और पूरी यहाँ पे एंट्री फीस, देखने का समय, टाइमिंग, फोटोग्राफी भी हर चीज़ लिखी है. तो बिना पे करे यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो. अगर आपको फोटो क्लिक करनी है उसका भी पे करो, वीडियो का अलग पे करो. ये है यहाँ की दरबार गैलरी. महाराजा राव सिंह जी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस गैलरी के अंदर रखी है. Let's go for this. तो मैं आपको अभी जिन महाराजा के बारे में बता रहा था ना, राव माधव सिंह जी के बारे में, उनका यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है बहुत ही सुंदर. ये देखिए ये स्टैचू है इनका. ये है उस टाइम की मुद्राएं, मतलब कॉइन्स जो करेंसी एक्सचेंज में काम आते थे. सिल्वर के भी हैं, गोल्ड के भी हैं, और तांबे के भी हैं, मतलब ब्रोंज के भी हैं. और ये पेंटिंग है महाराजा उमेद सिंह जी सेकंड ऑफ कोठा 1897. यहाँ पर इनकी फैमिली फ़ोटो लगी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद फोटो नहीं है, पेंटिंग है. तो आई गेस ये पेंटिंग ही है. एंड डेकोरेशन ऑफ एलिफेंट्स फोरहेड, तो जो हाथी के सर पे लगाते हैं ना वो है, वो भी गोल्ड का. तो उस टाइम हर चीज़ गोल्ड में ही
बनाई जाती थी। तो भी आपको ये चेयर्स, ये पालकी हो गई और ये रथ हो गए, ये सारे गोल्ड प्लेटेड हैं या फिर सिल्वर के हैं। तो इस पे जो कार्विंग्स हो रखी है वो भी सिल्वर और गोल्ड में ही हो रखी है। तो आज की तारीख में इसके प्राइजेस काफ़ी हाई है। ये है 16 AD के लॉक्स, मतलब उस टाइम को लॉक करने के लिए ये सारे लॉक्स काम में आते थे। और तराजू, और ये तराजू मेड इन कलकत्ता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कलकत्ता कंपनी। तो यहाँ पे सभा लगती थी, सभा लगती थी। 500-600 साल पुरानी पेंटिंग से इसके ऊपर ये सब पेंटिंग है। इसमें कृष्ण भगवान के अवतार में, कृष्ण भगवान के अवतार, अवतार बोले तो मतलब अलग अलग रूप। अच्छा, अवतार। अच्छा, ये है यहाँ का दीवाने खास, जो यहाँ के महाराजा थे, महाराजा राव, उनकी यहाँ पे सभा लगती थी। और महाराजा कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इन दीवारों पे, जैसा कि भी अंकल ने बताया, इन दीवारों पे कृष्ण जी की बहुत सारे अवतार दर्शाए गए हैं। मतलब कृष्ण जी कभी किस अवतार में है, कभी किस अवतार में है। तो ये 500-600 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं। ये जो पूरी गैलरी है वो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन की, उस समय की तलवार है, बंदूकें हैं, भाले हैं, जो राजा उस समय लड़ाई में यूज़ करते थे, वो हर चीज़ यहाँ पे रखी थी। ये सब चीज़ें मूवीज़ में देखी थी कि बड़ी बड़ी हवेलियों में शेर के सर या फिर बारहसिंगा के सर लगाते थे, पर आज रियल में देख रहा हूँ तो बड़ा अजीब लग रहा है। एकदम जिंदा डियर का, बारहसिंगा का सर है ये। और ये है क्रोकोडाइल, मतलब मगरमच्छ की खाल, तो उसको निकाल के प्रिजर्व करके यहाँ पर लगा रखा है। ये बहुत, मतलब मगरमच्छ कितना लंबा होगा, 8 से 9 फुट का मगरमच्छ होगा, कितनी लंबी खाल है। शेर को मारकर खाल निकालकर यहाँ पे लगा दी। और इस खाल की हाइट है कम से कम 8 से 9 फुट। यहाँ बेसमेंट में गैलरी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो जानवर थे उनके सर काट के लगाए हैं। यहाँ पे बारहसिंगा है, क्रोकोडाइल है, चीता है, भालू है, टाइगर है, ये देखो, ये कुछ मछली का पूरी यहाँ पे रखने के लिए, ये टाइगर का सब लगा रखा है यहाँ पे, स्पीड से पूरा काट के यहाँ पे लगा रखा है। ये तो पूरा शेर है यार। और ये है बुल, इनके फेस को देख के लगता है ये बहुत बड़े होते थे, मतलब 8 से 10 फीट तक हो सकते हैं। फॉर ऑल हिस्ट्री लवर्स आउट देयर, ये था छोटा सा व्लॉग। आपको अगर हिस्ट्री और म्यूजियम्स पसंद है तो आपको बड़ा पसंद आया होगा। तो मैं भी एक हिस्ट्री लवर हूँ, इसलिए मैंने ये साइट विजिट करी आज। वैसे तो ये कोटा के बीचों बीच है, पर यहाँ पे मैं शायद दूसरी बार आया हूँ। पहली बार शायद मैं स्कूल की ट्रिप के साथ आया था, तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब अलग ही टाइम हो गया। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई है, काफ़ी चीज़ें नहीं बदली है, पर जो भी था आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। बहुत छोटे से एरिया को कवर करने में 2 से 3 घंटे लग गए, पूरे पैरों में दर्द हो गया। तो आज के लिए और अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू कमेंट, नहीं अच्छा लगा हो तो डू कमेंट। आपकी लाइफ है, बाकी जो मर्जी पड़े करो, ऐश काटो, मौज करो, एंड कीप ट्राइंग। That could make bright our lives. In all of us, in our hearts, there's love and light that we must realize.